दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं एक बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं। अपने इस YouTube चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था बिजली सखी के बारे में। सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए खुशखबरी, बिजली सखी बनने के एक नए अवसर निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसा वीडियो कुछ समय पहले बनाया था अपने चैनल पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए। मैं उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बिजली सखी बहनें सरकार की मदद कर रही हैं बिजली वसूली करने में। जी हाँ दोस्तों, बिजली बिल के वसूली करने में। इस वीडियो में भी मैं कुछ इस तरीके का अपडेट दूंगा कि किस तरीके से समूह की महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक और नया काम दिया जा रहा है जिसमें सरकार इनको अच्छा खासा मानदेय देगी, यानी 6,000 रुपये प्रति महीने तक इनको मानदेय मिलेगा प्लस ऊपर से कमीशन भी मिलेगा। तो दोस्तों सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसी के साथ साथ सभी यूपी बीसी सखी कस्पोडेंट को भी इस वीडियो से काफ़ी अच्छा फायदा पहुंचने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खास ऑफर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं जिसमें कुल पद 20,000 आने की संभावना है और ये पद बिजली सखी के नाम से होगा जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। वैसे तो गाँव की सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। वैसे तो गाँव की सभी महिलाएँ इसमें अप्लाई कर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनको इस पद के लिए वरीयता दी जाएगी। दोस्तों काम क्या होगा, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बिजली बिल की वसूली करने का काम दिया जाएगा और अभी हाल फिलहाल में नया काम देने का प्रावधान किया गया है, वो है मीटर रीडिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिजली मीटर रीडिंग का काम। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्वयं सहायता समूह ग्रुप की महिलाएं काम कर रही हैं उन लोगों के लिए जल्दी ही आवेदन जारी किए जाएंगे और उसमें सरकार के द्वारा एक अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाएगा। इसमें अगर हम लोग मानदेय की बात करें तो 6,000 रुपये हर महीने मानदेय दिया जाएगा प्लस ऊपर से कमीशन उनके काम करने के अनुसार दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना से लाभ किसको होगा, अब हम लोग इस चीज़ पर बड़े ही विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों उपरोक्त काम जो है बिजली बिल वसूली और मीटर रीडिंग का काम, इस काम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बिजली सखी बहनें लाखों रुपए की वसूली कर चुकी हैं पिछले महीनों में और बिजली बिल की वसूली काफ़ी अच्छे तौर पे हुई है, इससे सरकार को काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, यानी सरकार के बिजली बिल वसूली में काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट हासिल किया गया है। वसूली को देखकर बिजली बिल में मीटर रीडिंग का भी काम सौंपने की तैयारी में सरकार है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के कुल पद इसमें 20,000 पद हैं और बिजली बिल वसूली और मीटर रीडिंग के काम को इसमें तवज्जो दिया जाएगा। जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो उनको इस काम के लिए रखा जाए, नहीं है तो कोई भी ग्रामीण महिला बिजली सखी बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। और भारत सरकार की मदद के साथ साथ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड UPPCL की भी मदद कर सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन योजना उत्तर प्रदेश बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी काफ़ी अच्छे से चल रही है जिसमें सभी बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी बहनें बैंकिंग ढांचागत को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव गांव घर घर हर लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा रही हैं और इससे भारत देश का काफ़ी विकास हो रहा है, भारत में सभी ग्रामीण बैंकों का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। दोस्तों सभी बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी बहनों को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि अब आपको आपके द्वारा सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी बिजली सखी बनने का खास मौका कुछ ही दिनों में आने वाला है। दोस्तों सरकार के द्वारा भी हाल फिलहाल में शासनादेश जारी किया जाने वाला है जिसमें कुछ इस तरीके के पद होंगे जिसमें 20,000 से ज़्यादा पद बिजली सखी का होगा, इनका काम होगा बिजली बिल वसूली और मीटर रीडिंग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ UPPCL के थ्रू बिजली बिल वसूली में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों लगभग 10,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रजिस्टर्ड हैं जिसमें से 2930 महिलाएं सिर्फ बिजली बिल का वसूली कर रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें लगभग 7,221 महिलाएं अब बिजली बिल मीटर रीडिंग के काम को भी लेने की तैयारी में हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश आएगा महिलाएँ इस काम को बड़े अच्छे से करने के लिए
शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरीके का अपडेट लाता रहता हूँ। अगर आप अपने गांव के ब्लॉक स्तर पे संपर्क करेंगे अपने ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक विकास अधिकारी और डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी के साथ साथ बिजली विभाग के उन अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे जो ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं, तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाली है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त से पहले पहले बिजली सखी का शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा और कहाँ कहाँ आपको बिजली बिल की वसूली करनी है और कहाँ कहाँ आपको बिजली बिल की मीटर रीडिंग का काम करना है, इन सभी कामों को सरकार प्रावधानित करने जा रही है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों कई निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।